खबर गाजीपुर जिले के सदियाबाद थाना से है, जहां जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना सदियाबाद पर 1 जुलाई से लागू हो रहे नए कानून के संबंध में जन जागरूकता गोष्ठी की गई। गोष्ठी में नए कानून में वर्णित प्रावधानों से अवगत कराया गया। इसी क्रम में जनपद के समस्त थानों में प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्ष द्वारा अपने अपने थानों पर गोष्ठी आयोजित कर विस्तार से नए कानून में वर्णित प्रावधानों से अवगत कराया गया। वहीं पुलिस अधिकारियों द्वारा महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों के संबंध में पुस्तिका को वर्णित प्रावधानों की जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों से इसके प्रचार प्रसार के संबंध में विचार विमर्श करते हुए शंकाओं के संबंध में भी समाधान किया गया। पुलिस का भी उत्तरदायित्व तो फिक्स किया गया है और अन्य अपराध में किसी बच्चे को अपराध करने के लिए भाड़े पर लेना या नियोजित करना। इसमें चीज में ये बताना चाह रहा था कि इनका भी चीज ये भी हो गई है कि अपराध इंडिया में हो रहा है और उसको कराने वाला विदेश में बैठा हुआ है, तो इसमें जोड़ दिया गया है कि वो भी अपराधी माना जाएगा। पहले नहीं था, अब माना गया, अब जोड़ दिया गया इसके अंदर। और क्योंकि सीआरपीसी में बदलाव किया गया है तो मजिस्ट्रेसी का भी उत्तरदायित्व तो इसमें निर्धारित किया गया है, तो रिफॉर्म्स हैं। और सबसे अच्छी बात है, पहली बार इस तरह की दंड आ रहे हैं जो सामुदायिक सेवाओं में, जो छोटे छोटे पहले वो होता था ना, उन पर कहा है कि हम दंडों से हटकर न्याय प्रक्रिया की तरफ। अभी तक सबसे ज़्यादा पीड़ित जो रहता था वो सबसे ज्यादा इसमें सफर कर रहा था, 20-20 साल मुकदमे चलते थे। और अब आप पहले जो आज भी 420 किस्म के लोग हैं, संगठित अपराध में अपहरण हो गया, डकैती हो गई या जो जैसे वसूली हो गई, तो इन सबको सजा का प्रावधान बढ़ गया। इसमें अब 5 साल के से अधिकतम मृत्यु दंड या उम्र के लिए कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया है। नमस्कार सर, संगठित अपराध का जो है साइबर अपराध हो गया, हैकिंग हो गई, वेबसाइट विकृति हो गई, ऑनलाइन वैवाहिक धोखाधड़ी हो गई, रैंसमवेयर हो गया, धमकाने वाला ईमेल हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, साइबर के जरिए धमकी देना हो गया, क्रिप्टो करेंसी अपराध हो गए, सुपारी देकर हत्या हो गया, जमीन हड़पना हो गया, लेन देन हो गए, अनेक लोगों को धोखा देने के लिए योजना बनाना भी पोंजी स्कीम चला देते हैं कि छोटे छोटे पैसे जमा को 2000 रुपए दो, तुम 10 दिन बाद 10,000 ले लो, इस तरीके से स्कीम चलाते हैं। वो इस श्रेणी में आ गए नकली नोट अपराध और लघु संगठित अपराध में साधन परीक्षा के प्रश्न पत्रों की बिक्री हो गई है, एटीएम की चोरी हो गई है, वाहन से चोरी हो गई है, सिनेमा में टिकटों की कालाबाजारी हो गई है, जेब काटना, दुकान के सामान से चोरी, चेन मोबाइल इत्यादि छीनना, अनधिकृत सट्टेबाजी, जुआ, वाहन आवास या व्यावसायिक परिसर से चोरी, धोखा देकर चोरी, अन्य अपराध में किसी बच्चे को अपराध करने के लिए भाड़े पर लेना या नियोजित करना। इसमें चीज में ये बताना चाह रहा था कि इसमें अभी चीज ये भी हुई है कि अपराध इंडिया में हो रहा है और उसको कराने वाला विदेश में बैठा हुआ है, तो इसमें जोड़ दिया गया है कि वो भी अपराधी माना जाएगा। पहले नहीं था, अब माना गया, अब जोड़ दिया गया इसके अंदर। ये अन्य अपराध में हिडन हिडन मामला हो गए, धारा 106 हो गई है, आतंकवादी कृत्य हो गए, धारा 113 हो गई है, माउंट लिंचिंग धारा 103-2 हो गई है, ये भीख मंगाने के लिए बच्चों का प्रयोग कर उपयोग करते हैं, ये अपराध की श्रेणी में आ गया है। भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र में जालसाजी, जो है आधार कार्ड हो गया, कुछ पहचान पत्र उसमें जो फोर्जरी करेगा वो अन्य अपराध में डाले गए हैं। अब जो है महिला संबंधी अपराध है, इसमें बलात्कार के पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट 7 दिनों में देनी होगी डॉक्टर को, ये कर दिया, पहले टाइम लगता था, अब 7 दिन में पूरी रिपोर्ट देनी होगी डॉक्टर। इसमें सभी को मान दिया गया है, डॉक्टर भी बंद हुए हैं और न्यायपालिका भी बंद हुई है, एक
कैश सिस्टम लागू किया गया है जो हमारे सिस्टम कंप्यूटर से कनेक्ट है। ये हम यहाँ खोलेंगे, हम कोर्ट को भी देख सकते हैं। जो डॉक्टर हमारे पंचायत में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाते हैं, डॉक्टर अब जो डॉक्टर हो गई है वो भी ऑनलाइन हो गई है। अभी जरूरी नहीं कि आईओ हमारा डॉक्टर है जाएगा, रिपोर्ट नहीं आई, वो वहां फिट करेंगे, हम यह कंप्यूटर में देख लेंगे चोट का फिगर क्या है, हम उसको धारा बढ़ा देंगे, बाकी वो रिपोर्ट प्रिंट निकाल के लगा दी जाएगी। अब डॉक्टरों को भी थोड़ा सा इसमें अपने वहां पर समझ कंप्यूटर सिस्टम से लोड कर दिया गया है। इसी तरह जेल कोर्ट कोर्ट के न्यायालय की जो कार्रवाई है, जो हमारे केस अब केस में क्या स्थिति है, वो सब ऑनलाइन हम अपने थाने बैठकर देख सकते हैं। बलात्कार पीड़िता के बयान को मोबाइल या किसी भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकेगा। बलात्कार पीड़िता सामूहिक बलात्कार पीड़िता एसिड हमले के पीड़िता का बयान जहां तक